अयोध्या में जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीखें नजदीक आते ही राम मंदिर का निर्माण कार्य भव्य तरीके से जारी है, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर जाने वाले सबसे मुख्य मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ के भव्य द्वारों का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। आइए इसके संदर्भ में रोचक जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभय वीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको राम मंदिर जाने वाले सबसे मुख्य मार्ग श्री राम जन्मभूमि पथ के भव्य द्वारों के निर्माण कार्यों के साथ ही अयोध्या में लगाए जा रहे श्री राम स्तंभों के निर्माण कार्यों के संबंध में भी सबसे नवीनतम जानकारी प्रस्तुत करूँगा। दैहिक दैविक भौतिक तापों से परिपूर्ण इस संसार में सभी दुखियारे हैं एवं प्रभु श्री राम ही एकमात्र आशा हैं। यदि आप इस चैनल पर पूरी आत्मीयता श्रद्धा भक्ति भाव से यदि प्रभु श्री राम का स्मरण करेंगे तो प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं हृदय की गहराइयों से जुड़ें, इस चैनल का समर्थन करें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। सामने आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि पथ के भव्य द्वारों के निर्माण कार्यों के लिए पिलर्स स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है और इन पिलर्स को स्थापित करने के लिए सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि पथ के एंट्री पॉइंट पर दो पिलर स्थापित किए जा रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले गड्ढे नुमा संरचना बना करके इनमें जाल स्थापित किया जा रहा है और इन्हीं जाल के सहारे ही एक RCC संरचना बनाई जाएगी एवं यह जो RCC संरचना है यह सीमेंट मोरंग एवं गिट्टी से युक्त होगी और इस संरचना के सहारे ही पिलर को स्थापित किया जाएगा और इस पर पिंक सैंड स्टोन एवं रेड स्टोन दोनों ही लगाए जाएंगे। पिंक सैंड स्टोन लगाए जाने का सबसे प्रमुख कारण है कि इस एंट्री गेट को भी राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाना है ताकि जो भी राम भक्त राम मंदिर के लिए दर्शन करने जाएं उन्हें इस एंट्री गेट पर प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर की झलक देखने को मिल जाए ताकि उन्हें सुखद अनुभूति हो। और इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट एवं अयोध्या प्रशासन द्वारा विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं एवं इस एंट्री गेट की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यह त्रेतायुगीन अयोध्या के स्वरूप का आपको दर्शन कराएगा। साथ ही यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्री राम जन्मभूमि पथ के भव्य निर्माण कार्यों के साथ ही यहाँ पर बनाए जा रहे भव्य प्रवेश द्वार के संबंध में निर्माणाधीन संस्था ने कुछ तस्वीरें जारी की थीं कि किस प्रकार के प्रारूप से श्री राम जन्मभूमि पथ के प्रवेश द्वार एवं संपूर्ण मार्ग को बनाया जा रहा है एवं 566 मीटर लंबे एवं 30 मीटर चौड़े इस मार्ग को भव्य स्वरूप देने के लिए बहुत सी वृहद योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसके लिए सबसे पहले कैनोपी का निर्माण कार्य किया जा रहा है और मार्ग के निर्माण होने के पश्चात बहुत सी जगह सड़कों की खुदाई की गई थी और वहां पर भव्य कैनोपी का निर्माण कार्य किया जाएगा क्योंकि भविष्य में राम मंदिर निर्माण कार्यों के पश्चात यहां पर हजारों की संख्या में इसी मार्ग से रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाएंगे एवं इसके लिए उन्हें घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ सकता है। अतः इस असुविधा से बचने के लिए कैनोपी का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि अनेक पॉइंट्स पर बनाई जा रही हैं एवं इन कैनोपी में श्रद्धालुओं के बैठने एवं जलपान की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि यदि खराब मौसम की परिस्थिति हो, चाहे वर्षा ऋतु हो या तेज धूप, सभी श्रद्धालुओं को इन्हीं कैनोपी में बैठने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे आराम से प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर सकें। साथ ही जो भी श्रद्धालु विकलांग होंगे अथवा अत्यधिक वृद्ध होंगे उनको विशेष रूप से इन्हीं कैनोपी में
बैठने की व्यवस्था की जाएगी और यह पूर्णतया वातानुकूलित हो अथवा इसे हवादार बनाया जाना हो, उसके संबंध में निर्माणाधीन संस्था एवं अयोध्या प्रशासन को ही निर्णय लिया जाना है एवं कुछ दिन पूर्व ही इसके निर्माण कार्यों के विषय में निर्माण समिति के चेयरमैन निम्बेन मिश्र जी ने भारी नाराजगी जताई थी, क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्यों के पश्चात बहुत से मार्गों को खोद दिया गया था। अतः इसके लिए दो अधिकारियों को अयोध्या प्रशासन द्वारा निलंबित भी किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो भी शीट्स वगैरह बैठने के लिए लगाई गई थी वह मानकों के आधार पर काफ़ी पतली बनाई गई थी। अतः इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी काफ़ी नाराजगी जताई गई थी, क्योंकि श्रीराम जन्मभूमि पथ ही एकमात्र मार्ग है जो कि प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए बनाया गया है। अतः यहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की जाएं, इसके लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। निर्माणाधीन संस्था द्वारा जारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यात्रियों को खराब मौसम से बचाने के लिए यात्रियों के लिए दर्शन मार्ग के ऊपरी हिस्से को लोहे की जाली व प्लास्टिक के कवर से ढका गया है, ताकि यहां पर खराब मौसम की परिस्थिति में भी श्रद्धालुओं के बैठने एवं उनकी सुख सुविधा का उचित इंतजाम किया जा सके। रात्रि के समय श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए स्थान स्थान पर हेरिटेज लाइटें लगाई गई हैं, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत हैं और इनका मूल्य भी काफ़ी अधिक है, क्योंकि इस प्रकार की लाइटें आपको दिल्ली के राजपथ में ही देखने को मिलेंगी और इस प्रकार की भव्य लाइटें संपूर्ण श्रीराम जन्मभूमि पथ को खूबसूरत बना देती हैं। श्रीराम जन्मभूमि पथ के भव्य निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। श्री राम जन्मभूमि पथ के निर्माण कार्यों के पश्चात अब मैं आपको प्रभु श्री राम के वनगमन पथ पर लगाए जा रहे श्री राम स्तंभों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। आपको पूर्वविदित होगा कि श्री राम स्तंभ राजस्थान के माउंट आबू से चल करके अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में श्री राम स्तंभ का आगमन होते ही अशोक सिंघल फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा इसका भव्य स्वागत किया गया एवं पितृपक्ष समाप्त होने के पश्चात एक अच्छे मुहूर्त में अयोध्या के मणिपर्वत क्षेत्र में इसे स्थापित करने की भव्य योजना बनाई जा रही है। और आपको पता होगा कि अशोक सिंघल फाउंडेशन एवं M2K फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से संपूर्ण भारत में 290 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर श्री राम स्तंभ स्थापित किए जाएंगे एवं यह वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने वन गमन के दौरान यात्रा की और उन स्थानों पर विचरण किया और इसका प्रारंभ अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक रहेगा और इसके लिए जो भी भूमि की उपलब्धता होगी उसकी व्यवस्था अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा ही की जाएगी। श्रीराम स्तंभ की कुल ऊंचाई 15 फीट के आसपास रखी गई है एवं इसकी चौड़ाई 2.5 फीट है एवं इसका वजन 12 टन के आसपास है एवं इस शिलाओं में सूर्य धनुष और शिखर के चिन्ह आपको दिखाई देंगे एवं सैकड़ों सालों तक यह सुरक्षित बना रहेगा, क्योंकि यह पिंक सैंड स्टोन द्वारा निर्मित किया जा रहा है। प्रभु श्री राम के वन गमन पथ पर कौन कौन से स्थल शामिल हैं, आइए उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि श्री राम वन गमन पथ पर बस्ती के मखौड़ा धाम, बिहार का विश्वामित्र आश्रम अहिल्या घाट, अगस्त आश्रम नासिक एवं जनकपुर नेपाल का जानकी मंदिर, रंगभूमि, सुल्तानपुर का सीताकुंड, इलाहाबाद का श्रृंगवेदपुर, त्रिवेणी का संगम, भारद्वाज आश्रम, चित्रकूट का वाल्मीकि आश्रम, कामदगिरी, कोटितीर्थ, सतना मध्य प्रदेश की गुप्त गोदावरी, मार्कंडेय, अश्वमुनि, सुतीक्ष्ण आश्रम, नासिक का राम सरोवर, राम लक्ष्मण मंदिर, मध्य प्रदेश का मार्कंडेय आश्रम, सीतामढ़ी, छत्तीसगढ़ का राम जानकी मंदिर, राम रेखा धाम,
लोमेश आश्रम रायपुर, पौधशाला तेलंगाना, शबरी आश्रम कर्नाटका, पंपासर कर्नाटक, ऋषिमुख पर्वत कर्नाटक, कोदंड राम मंदिर कर्नाटक, सेतु अवशेष तमिलनाडु आदि समस्त स्थल इसमें शामिल हैं और मैंने इन सभी स्थलों के विषय में आपको जानकारी दे दी है। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि पथ के भव्य द्वारों के निर्माण कार्यों के साथ ही श्री राम स्तंभ के विषय में हमारे द्वारा दी गई नवीनतम जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का दिल खोलकर समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।